हाय फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं चैप्टर 15, और ये आपका BFM का मॉड्यूल सी का यूनिट 15 है, ठीक है। और जब मैं आपको चैप्टर 14 करवा रही थी तो मैंने बोला था कि ट्रेजरी प्रोडक्ट के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका ट्रेजरी प्रोडक्ट नाम का टॉपिक आपके 14 में था और मैंने नहीं करवाया था, क्यों? ताकि हम 15 चैप्टर में पूरा उसका जब उसके नाम उसका उस टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर है तो एक छोटे से टॉपिक से हमें क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये पूरा आपको वो जो चैप्टर है यहाँ पर अभी देखना है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेजरी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ट्रेजरी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसकी हेल्प से ट्रेजरी प्रॉफिट कमाता है। हमने बोला ना, पहले ट्रेजरी क्या था, जो ट्रेजरी था वो हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक सर्विस सेंटर हुआ करता था। कहाँ पैसा कम है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, ठीक है, ALM मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब उसका काम हुआ करता था। लेकिन अब जो प्रॉफिट है वो मेन इसका ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है, प्रॉफिट भी कमाना। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ 90s के बाद, तो ट्रेजरी है इसको वो कर दिया, जब से इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया ना। पहले क्या होता था 90 से पहले, कि जो बैंक है उनके लिए इंटरेस्ट रेट बैंक नहीं डिसाइड करता था, RBI डिसाइड करता था कि इतने परसेंट लगाइए। और अब क्या है कि जो भी है बैंकों को फिर बाद में छूट दे देगी, ठीक है, उनका रेगुलेशन हट गया, डीरेगुलेट हो गए सभी बैंक, तो उनको पूरी आज़ादी मिल गई, वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट लगाने लगे, कम ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा फिर इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो बैंकों का जो मार्जिन है वो कम बचने लगा, तो उनको और अच्छे अच्छे ऑप्शन चाहिए थे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था कि हाँ ट्रेजरी को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। फॉरेक्स मार्केट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेक्स मार्केट इज़ द मोस्ट लिक्विड मार्केट, ठीक है, क्योंकि फ्रीली लिक्विड, मोस्ट लिक्विड क्यों बोला, क्योंकि बहुत आसानी से यहाँ पे करेंसीज का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, करेंसीज आप आसानी से अपना कन्वर्ट करा सकते हैं, USD, EUR, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज यूनाइटेड डॉलर, क्या USD, ये हमारा डॉलर के लिए कैन बी रेडली बॉट, ये आसानी से खरीदी और बेची जा सकती है। और फिर ये अब वर्चुअल मार्केट हो गया था, कोई कुछ फिजिकल बाउंड्रीज नहीं रहा, ठीक है, आसानी से कंट्रीज जो करेंसीज है वो आसानी से कन्वर्ट होने लगी थी। तो देखिए अलग अलग टाइप के स्पॉट ट्रेड क्या होता है। स्पॉट ट्रेड द स्पॉट रेफर टू सेटलमेंट पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्पॉट सेटलमेंट्स टू वर्किंग डे फ्रॉम द ट्रेड। जैसे मान लीजिए जो भी आपका सेकेंड वर्किंग डे है, ये हम ऑलरेडी स्पॉट तो आपको पता है ना, मैंने आपको जो BFM का पहला चैप्टर कराया था करेंसीज वाला, तो उस पर हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके ना, स्पॉट टर्म रेट। टुमारो अगर कल सेटलमेंट होगी तो टुमारो, कल के बाद होगी तो 2 डेज बाद होगी तो वो होगा हमारा स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलता है, टर्म और जो टॉट रेट है ना, टॉट मतलब 2 डेज रेट, टॉट मैंने 2 डेज, टॉम मैंने टुमारो, और टुमारो के दो दिन बाद, यानी आज से 2 दिन बाद हो जाएगा स्पॉट रेट, और स्पॉट रेट के बाद का कोई भी दिनों का वो सब होगा हमारा फॉरवर्ड रेट, ठीक है। तो स्पॉट रेट वो है जब सेटलमेंट 2 दिनों बाद होगी, और इसी के साथ उन्होंने टॉम और टॉट भी बता दिया। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट हमें पता है कि परचेस एंड सेल ऑफ करेंसी ऑन ए फ्यूचर डेट, कुछ भी फ्यूचर डेट है 2 दिन बाद तो वो हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड रेट, ठीक है। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। स्वैप का मतलब क्या है, स्वैप का मतलब है तीसरा आपका है स्वैप। द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट आता प्राइमरी प्रोडक्ट, तो मेनली ज़्यादातर स्पॉट और फॉरवर्ड ही होता है। ये हमने बहुत से न्यूमेरिकल भी किए थे जब पहले चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि स्पॉट रेट के ऊपर ही बहुत से फॉरवर्ड रेट, जैसे 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, वो सब होता था, ठीक है। तो यही ज़्यादातर प्राइमरी प्रोडक्ट इन फ्रॉज, तो यही ज़्यादातर जो भी हमारा सेटलमेंट होता है, जो भी रिमिटेंस होती है, तो जो भी रेट चलता है, मतलब ज़्यादातर इन्हीं रेट पर चलता है, ठीक है, इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट ज़्यादातर, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट एक कॉम्बिनेशन, हाँ, तो क्या है कि आजकल तो हर चीज़ में कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, जैसे सेविंग के साथ साथ डिपॉजिट का भी फैसिलिटी, सेविंग के साथ साथ लोन्स का भी कुछ फैसिलिटी, जैसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, मैक्स गेन अकाउंट्स बोलते हैं, जिसमें आपको लोन भी मिलता है और आप डिपॉजिट भी करा सकते हो। तो आजकल कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो रहे हैं, तो सब भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, स्पॉट एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड, या तो स्पॉट या फॉरवर्ड होगा, या दो स्पॉट या दो फॉरवर्ड होंगे, तो उसको बोलेंगे स्वैप, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो, जैसे मान लीजिए किसी को डॉलर से कुछ कराना है, तो आप अगर मैं स्वैप रेट बोलेंगे तो उसमें आपको दोनों के फ्यूचर मिल जाएंगे। देखा ना, बींग USD विथ रुपीज इज अ फ्रॉड मार्केट एंड सेलिंग USD इन द, तो ठीक है, वही स्वैप में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, एक एक लाइन में याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर का आने वाला ही है। इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज सरप्लसेस, ठीक है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का एक्स्ट्रा होता है तो उसको कहाँ का बैंक इन्वेस्ट करता है, यानी जो ट्रेजरी है वही, तो उसी का तो काम है। ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सरप्लसेस ऑफ द बैंक, जो भी एक्स्ट्रा आपके पास डॉलर बच गए आपकी ब्रांच के पास, तो वो सब इन्वेस्ट भी तो करने हैं ना, रखे रखे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो बेटर यही कि उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो कहाँ कहाँ ऑप्शन रहते हैं, इंटर बैंक लोन नॉन एक्सेडेड 1 ईयर टर्म, ठीक है, तो इंटर बैंक में 1 साल तक के लिए देंगे,
वन ईयर टर्म नॉर्मली नॉट एक्सेप्ट बट मोस्टली इन द ओवरनाइट डिपॉजिट द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल. ठीक है, तो इंटर बैंक में ज़्यादातर क्या होता है कि मैक्सिमम तो उसका टाइम पीरियड 1 साल है, पर ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादातर वन नाइट मतलब एक दिन के लिए दिया जाता है. ठीक है, इंटर बैंक, चाहे वो ग्लोबल बैंक हो या इंडियन बैंक हो. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स, हमें पता ना टी बिल्स. टी बिल्स कौन इशू करता है? टी बिल्स RBI इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे. ठीक है, तो टी बिल्स में बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया. टी बिल्स भी तो ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, ये 1 साल से 7, 130, 182, 91 डेज, 364 डेज, ये सब टी बिल्स के अलग अलग टाइप के वो है हमारे. ठीक है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. कमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्ट कर सकता है जो कॉरपोरेट है. ठीक है, कॉरपोरेट इशू करती है ना. CP कौन इशू करता है? कॉरपोरेट ही तो इशू करती है. शायद 5 लाख का एक ही इसका रहता है, 5 लाख के डिनोमिनेशन में, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे. तो यहाँ भी बैंक इन्वेस्ट कर सकता है. और कुछ और अच्छी कंपनी जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, रिस्क बहुत कम हो, AAA रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग कंपनी से, तो वहाँ भी बैंक इन्वेस्ट करता है. नॉस्ट्रो अकाउंट, जब बैंकों के पास अच्छा, वैन फ्लोटिंग फंड ऑफ आर पार्क पेंडिंग, तो बैंकों के पास ज़्यादा अकाउंट है. नॉस्ट्रो करंट अकाउंट डिमांड, तो हाँ एक बात याद रखना, जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो करंट अकाउंट होता है और उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता. ठीक है, पर हाँ उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि नॉस्ट्रो में एक लिमिट रहता है, अगर उस लिमिट से आपने ज़्यादा, जैसे लिखा ना, बैलेंस हेल्ड इन नॉस्ट्रो डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, वैसे तो आपको नॉस्ट्रो में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये बात फिक्स है. लेकिन इंटरेस्ट एनी इनकम, हावर मैनी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का मतलब क्या है? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि वॉशिंगटन में उसका ब्रांच है, उसमें हमारा बैंक, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए SBI. ठीक है, तो SBI ने अपना एक खाता खोला हुआ है वॉशिंगटन में, उसी कंट्री की करेंसी में. ठीक है, डॉलर में. तो लिखा ना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मतलब हमारे साथ का दूसरा बैंक जहाँ हमने खाता खोला है. और फॉर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा. कहाँ पे? फॉर फंड हेल्ड ओवरनाइट, एक दिन के लिए. एक दिन के लिए जैसे यहाँ पे इंटर बैंक लोन थे ना, तो उनको भी तो इंटर बैंक लोन चाहिए होगा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है तो उन्होंने इंटर बैंक लोन दे दिया और उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम. हाँ, तो बोला है कि मिनिमम ये कितना, 1 लाख USD आप मान लीजिए, या फिर कुछ भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक का क्या अपना है, तो उतना आप रख लीजिए. उससे ज़्यादा जो भी होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा इंटर बैंक वाले पे चला जाएगा. ठीक है, ओवरनाइट वाले पे इन्वेस्ट हो जाएगा, तो उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहता है, तो बैंकों को फायदा है. तो नॉस्ट्रो अकाउंट में भी बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा करके अपना इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकता है. ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस, फॉरेन करेंसी फंड एंड कॉस्ट ऑफ फंड प्रेयर टू सेंक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस बाय मीन्स ऑफ FCNR लोन्स. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके जो इम्पोर्टर्स होते हैं ना, जैसे लोन एंड एडवांसेस भी देता है ट्रेजरी. वैसे तो इसमें बोला है कि वो किसी क्रेडिट एप्लीकेशन या डिस्पर्समेंट में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन कई बार जो हमारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको कुछ मतलब पैसा चाहिए, ठीक है, उनको लोन एंड एडवांसेस देता है ट्रेजरी, तो इसमें उसी के लिए मेंशन किया, उनको देता है, नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं. री डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरन बिल्स, आपके पास कोई फॉरन बिल है, ठीक है, तो उसको री डिस्काउंट करता है. री डिस्काउंट का मतलब जितने का वो बिल होगा, ठीक है, अभी उसको अभी पैसे की अभी ज़रूरत है, लेकिन वो 2 महीने बाद का डेट है कि 2 महीने बाद उसको पैसा मिलेगा, तो बैंक की ब्रांच के पास जाए, फ़ौरन मिलेगा, मतलब उन्हीं की करेंसी में उनको चाहिए, जैसे मतलब डॉलर में है कुछ भी है, तो बैंक के पास जाए और बोले कि मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट आने वाली है, आप एक काम कीजिए, मेरे को $1 लाख मिलेंगे, तो आप मुझे मतलब जो भी बैंक अपना जितना भी मार्जिन रखना चाहेगा, तो आप $90,000 दे दीजिए, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो उसका डेट है एग्जैक्टली, आपको पूरा $1 लाख मिल जाएगा. तो बैंकों का जो $10,000 है वो तो उसका बेनिफिट हो गया ना. ठीक है, तो रीडिस्काउंट मतलब फॉरन बिल है उसको पहले से रीडिस्काउंट करता है. रीडिस्काउंट मतलब डिस्काउंट करना, मतलब उसको एग्जैक्ट रेट तो देगा नहीं, $1 लाख का बिल है, ये थोड़ी कि पूरा 1 लाख देगा, फिर बैंक थोड़ी, ये कोई सर्विस सेंटर थोड़ी, ये भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना. तो रिस्क डिस्काउंट मतलब जो भी बिल है उसका पूरा प्राइस ना देके कुछ हम दे देंगे, तो ये काम भी करता है. अगला है मनी मार्केट प्रोडक्ट. ठीक है, मनी मार्केट में कौन से प्रोडक्ट है? कॉल मनी और नोटिस और टर्म मनी. कॉल मनी हमें पता है कि एक दिन के लिए, अगर एक नाइट के लिए सेटलमेंट हो तो कॉल मनी. ठीक है, फंड बोरोड बाय द बैंक नीड टू बी रिपेड इन द नेक्स्ट वर्किंग डे. कॉल मनी रेट्स इंडिकेट लिक्विडिटी इन द ओवरनाइट. ठीक है, मीपोर. तो कॉल मनी मतलब एक दिनों के लिए बैंक पैसा देता है. नोटिस मनी, ये ज़्यादातर जो पैसा है ना ये बैंक कॉल मनी में, ज़्यादातर इंटर बैंक, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो इंटर बैंक लोन होते हैं, ज़्यादातर एक एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन चाहिए तो वो कॉल मनी पे ही ज़्यादातर चलता है. ठीक है, एक दिन के लिए. उसके बाद आता है नोटिस मनी, अगर 2 दिन से 14 दिन के लिए चाहिए तो आपको नोटिस मनी. और टर्म मनी मतलब बैंक ज़्यादा टर्म के लिए भी तो लोन देगा ना. ठीक है, मार्केट इज अ प्लेसमेंट ऑफ फंड विद, अगर वो जैसे 1 साल तक के लिए दे रहा है, 14 दिन से 1 साल तक के लिए, तो ये टर्म में आ जाएगा. और मनी मार्केट प्रोडक्ट में ऊपर आपको बोला था कि मनी मार्केट रेफर्स टू रेजिंग एंड डिप्लॉइंग शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, तो नाम से पता लग रहा है कि रेज करना और डिप्लॉय करना, मतलब लेना और उसको उस पैसे को लगाना. शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज विद मेचोरिटी ऑफ फंड जनरली नॉट एक्सेस, तो मैक्सिमम लिमिट 1 साल आता है. ठीक है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं.
देखा ना, कॉल मनी इज प्योरली इंटरबैंक, तो ज्यादातर बैंकों के लिए होता है। नॉन बैंक पे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है, फेज्ड आउट ऑफ द कॉल मनी, उनको अब कॉल मनी में नहीं रखा गया। 6 अगस्त 2005, इस डेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वो नहीं है, इतना याद रखिए, अब वो नहीं है। ठीक है, टी बिल्स देखिए, ट्रेजरी बिल्स का पूरा पैराग्राफ है, आपको सिर्फ एक नंबर के लिए याद करना। तो ट्रेजरी बिल्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, लेकिन आरबीआई के थ्रू, फॉर मेच्योरिटीज देखिए 91, 182, 364। ठीक है, फॉर इसका अमाउंट भी फिक्स रहता है और इसका लिमिट रहता है, मतलब जो वो रहता है ना, एक टी बिल है 25,000 के डिनोमिनेशन, जैसे 25,000, 50,000, 25,000 के मल्टीपल्स में ही ये इशू होते हैं। और ठीक है, द टी बिल्स लाइक अदर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और हाँ, तो टी बिल्स भी बाकी की तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही में ही होता है। एसजीएल अकाउंट, एसजीएल अकाउंट वो होता है जो बैंक अपना आरबीआई के साथ अकाउंट मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हर बैंकों का आरबीआई के साथ एक अकाउंट होता है, उसको एसजीएल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अभी आपका पीछे कहीं पे है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी एसजीएल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, लेकिन याद रखिए एसजीएल अकाउंट वो है जो बैंक, हर बैंक आरबीआई के साथ एक अकाउंट रखता है, वो एसजीएल है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया ना सारा, जो पैसा ऐसा होगा टी बिल्स का पैसा, तो इसी बैंक से उसका ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, टी बिल का। और कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल कौन इशू करते हैं? कॉर्पोरेट, जिनकी अच्छी रेटिंग होती है वो इसको इशू करते हैं विद मैच्योरिटी, विद मिनिमम मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक का। ठीक है, और इसका डिनोमिनेशन कितना है? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे ये लोग इशू करते हैं। ठीक है, और बैंक कैन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये कौन है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब इशू करते हैं। ये 1 साल मतलब 1 लाख के डिनोमिनेशन में होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे। ठीक है, ये लिखा ना, इशूड फॉर 1 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ दिस, 1 लाख के मल्टीपल में इसका चलेगा। रेपो और रिवर्स रेपो रेट वो होता है, रिपो अगर बैंकों के पास पैसा कम पड़ गया और वो चाहते हैं आरबीआई से लोन लेना तो ले सकते हैं, तो उस पर 1 डे टू 1 ईयर तक का होता है। और रिपो रेट हमेशा, ठीक है, रिपो रेट मतलब सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज विद द कमोडिटी टू रिपर्चेज द सेम एनुलेटेड रेट। ठीक है, मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन बट इट इज़ यूज फॉर, अच्छा ये रिपो रेट इज सिर्फ रिपो, रिपो इज अ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन बट इट इज़ यूज फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी मार्केट फंड्स। ठीक है, 1 डे टू 1 ईयर, ठीक है, इट रेफर टू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद द कमिटमेंट टू रिपर्चेज द सेम सिक्योरिटीज एट अ लेटर डेट। ठीक है, आप कुछ सिक्योरिटीज बेच रहे हैं लेकिन आपने वो बोला हुआ है, कमिटमेंट दिया हुआ है कि बाद में आप उसको लेंगे। प्रेजेंटली ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बिंग डील विद अंडर रिपो ट्रांसफर। ठीक है, तो रिपो में क्या, आपने आप बेच तो रहे हैं लेकिन बाद में आप बोलेंगे कि हम उसको लेंगे, ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ होता है। बोला ना, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट को भी आप इसमें ऐड कर लिया, वो रिपो वाले मार्केट में आ सकता है, ये रिपो तरह का मार्केट है। रिपो रेट भी एक दूसरा होता है। ठीक है, रिपो रिवर्स रिपो रेट तो हमें सबको पता ना, जो रिपो रेट वो होता है जो कि अगर हमें पैसा चाहिए आरबीआई से, ठीक है, एज अ लोन, तो आरबीआई हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है उसको बोलता है रिपो रेट। ऐसे एक रिवर्स रिपो भी होता है, उसमें अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है बैंकों के पास, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो उसको आरबीआई के साथ पार्क कर ले। ठीक है, आरबीआई के पास रखवा दे, आरबीआई बोलेगा जितना रेट मैं आपको रेपो में दे रहा हूँ उससे 1% कम आपको आपके इस एक्स्ट्रा पैसे में दूंगा, क्योंकि आरबीआई को तो पैसे का वैसे जरूरत नहीं हो, तो बैंकों का रखा हुआ है तो बैंक कुछ इंटरेस्ट कर ले, इसलिए वो रिवर्स रिपो का फैसिलिटी दिया हुआ है। तो देखिए रिपो अंडर लिक्विडिटी, हाँ ये रिपो उसका वही चीज़ है, वो रिपो सेटलमेंट वही सब है जो भी बोला था ना पीछे, जो आपको मैंने अभी बताया ये वही है। रिपो अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। लिखा ना, इट इज़ यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इस जो रिपो है, रिपो रेट है, उसको यूज़ करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द मार्केट। देखता है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे का कमी या ज़्यादा है, तो उस रिपो को यूज़ करता है। क्या है, मान लीजिए फंड का अगर शॉर्टेज हो गया, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। ठीक है, तो मैं आपको ये इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पैसा, जैसे मतलब जैसे मनी में मार्केट में पैसे को मैनेज रखता है, लिक्विडिटी मैनेज रखता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कब आता है? इन्फ्लेशन तब आता है जब बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा लोगों के पास, पैसे का वैल्यू कम हो गया तो इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, तो उस केस में बैंक क्या करता है, देखता है कि पैसों का वैल्यू तो बहुत कम हो गया, अगर कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आरबीआई की, कि पैसे का मार्केट में मैनेजमेंट बना रहे, तो आरबीआई सोचेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सबके पास पैसा है, पैसे का वैल्यू बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में आरबीआई क्या करता है, जो रिपो रेट है, रिपो रेट है उसको क्या करता है, जो रिवर्स रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, रिपो रिपो रिवर्स रिपो दो रेट होते हैं, रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, जो रिपो रेट है वो इस केस में रिवर्स रिपो रेट को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, रिवर्स रिपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक सोचेंगे कि जनता को मैं पैसा दे रहा हूँ, इतना रिस्क भी है, क्योंकि जनता को पैसा देना तो रिस्क है, आरबीआई से तो 100% गारंटी के पैसा आएगा आएगा, जनता के साथ क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, बहुत टाइप के रिस्क है। ठीक है, तो बैंक सोचेगा कि मैं जनता को 6 या 7% पे जो भी मेरे को लोन पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगा। तो बैंक क्या प्रेफर करेंगे, नॉर्मल कस्टमर्स को, जनता को लोन देने से अच्छा वो पैसा अपना
आरबीआई के पास रखवा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, मनी में लोगों के पास पैसा कम है, क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा पैसा जब आरबीआई के पास चला गया, सारा आरबीआई के पास पार्क कर दिया, बैंकों ने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्यों किया, इसलिए क्या बैंकों ने ऐसा, क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता है। तो उनको पता है कि अगर यही पैसा हम कस्टमर को लोन के लिए देंगे तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ऊपर से रिस्क भी है, डिफॉल्ट होने का, एनपीए होने का बहुत चांस है। तो बेटर यही कि आरबीआई ने इतना सस्ता, इतना अच्छा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट लगाया, तो हम आरबीआई को ही वो पैसा वहाँ कर दे, पार्क कर दे, तो हमारा अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इससे मार्केट में पैसे का कमी हो जाएगा और आसानी से हमारा जो लिक्विडिटी था वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। तो वही से बोला है, अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो बैंक ये सब काम करता है आरबीआई के साथ, ठीक है। रिपो एंड रिवर्स रिपो, तो यहीं पे आ गया ना आपका फिर से रिवर्स रिपो। ये वो टूल्स है जिसकी हेल्प से बैंक अपना आसानी से लिक्विडिटी को पोजिशन बनाए रखता है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हमारा रिपो रिवर्स रिपो बहुत हेल्प करता है। सीबीएलओ क्या है? इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड बाय सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। सीबीएलओ इज एसेंशियली ए रिपो ट्रांसफर्स विच इज़ यूज नॉट ओनली बाय बैंक एंड प्राइवेट बट ऑल्सो ऑल अदर प्लेयर लाइक फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ये सब इसको हु कैन नॉट, जो कॉल मनी में, जिनको कॉल मनी, क्योंकि कॉल मनी में सिर्फ बैंक ही बैंक है ना, लेकिन बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बचे, म्यूचुअल फंड वाले बचे, इंश्योरेंस कंपनी, तो उनके लिए ये बनाया गया, ठीक है। ये बोरो का डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीसीआईएल एक तरह का मीडिएटर का काम करेगा, ठीक है, जो सीबीएलओ को कर रहा है। तो किसी को अगर लोन चाहिए, जैसे मान लीजिए ट्रेड सेकेंडरी मार्केट हिलना, ठीक है, तो सीसीएल भी वही काम करेगा, जैसे कि आप इंटर बैंक में सिर्फ बैंक ही थे प्लेयर। तो इसमें क्या है, अगर किसी को बोरोवर, मतलब किसी को पैसा चाहिए, वो डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद सीसीएल, एंड बोरोवर अगेन इज सिक्योरिटीज सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम अनदर हु हैव सरप्लस सिक्योरिटी। तो सीसीएल उससे कॉन्टैक्ट करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, रिपर्चेस आफ्टर फिक्स टर्म। तो उसमें टाइम रहेगा 1 साल से, 1 दिन से 1 साल के बीच में। तो इस तरह से सीसीएल काम करता है, मतलब इंटर बैंक मार्केट में तो सिर्फ बैंक ही थे ना, तो उसके अलावा जो बच गए ना बाकी प्लेयर्स, जैसे म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट, इंश्योरेंस, तो उन सब के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उन सब के लिए ये सीबीएलओ बनाया गया, ठीक है, सीसीएल ने इसको बनाया। बिल री डिस्काउंट हमें पता है, कोई भी हमारे बिल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिल डिस्काउंट, ट्रेजरी बिल डिस्काउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कोई भी हमारे बिल्स हैं तो उसका री डिस्काउंटिंग कराते हैं। री डिस्काउंटिंग मतलब बाय अनदर बैंक, किसी और बैंक को देके उसका रेट कम रेट पे, उसको अपने बिल को पैसा, मतलब बिल गया, ठीक है, बिल दिया कम रेट पे, जितने का बिल था उतना नहीं, कम रेट पे उसका पैसा मिल गया। सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसा क्यों करते हैं बैंक ज़्यादातर, ट्रेजरी जो है बैंकों का जो ट्रेजरी वो गवर्नमेंट में इसलिए इन्वेस्ट करता था कि एसएलआर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, आसानी से हो जाए। तो बोला है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई यूज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए टूल टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी आरबीआई अपने लिक्विडिटी मार्केट टूल की वजह से करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ही बैंक जो ट्रेजरी बिल्स, ये सब बैंक आरबीआई के बिहाफ पे बैंकों के लिए इशू करती है, ठीक है। और ये ट्रेजरी टी बिल्स ज़्यादातर तब इशू किए जाते हैं। टी बिल्स का मतलब क्या है? टी बिल्स का मतलब जैसे अगर, जैसे मान लीजिए टी बिल्स में होगा क्योंकि बैंक बिल लेगा, ठीक है, टी बिल एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो बैंक वो बिल लेगा, बिल एक कागज़ का टुकड़ा होगा, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, उसके खाते में उतना इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा कि हाँ इतने का इसने टी बिल्स लिया, और पैसा उनको देगा। तो अगर मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा, तो टी बिल एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि बैंक आरबीआई के बिहाफ पे जो भी टी बिल्स है वो इशू करेगा, उससे क्या होगा, उससे बैंक अपना टी बिल्स अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लेंगे और अपना पैसा जो है सबमिट कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट को दे देंगे, आरबीआई को दे देंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो बैंक उस टाइम पे टी बिल्स इशू करते हैं, तो बैंकों का जो आरबीआई का उसका अपना जो मेन काम है कि लिक्विडिटी बनी रहे वो भी मैनेज हो जाता है। कॉर्पोरेट डेट पेपर क्या होंगे? कॉर्पोरेट भी अलग अलग मीडियम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स ये सब इशू करते रहते हैं ना, तो उसी को कॉर्पोरेट डेट पेपर बोला गया। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स अलग अलग कंपनी, ये सब क्या डेट डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब हमारी कॉर्पोरेट इशू करती है। बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स के पास ऑप्शन भी रहता है, जैसे लिखा ना कंपनी लॉ के अंडर आता है, और ट्रांसफर ओनली बाय रजिस्ट्रेशन, बॉन्ड अदर नेगोशिएबल, ठीक है। डिबेंचर्स किसके अंदर आता है? कंपनी लॉ के अंडर आता है, और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। कौन? बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और डिबेंचर्स दो तरह के हो सकते हैं, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल के पास ऑप्शन रहता है कि जब उसका टाइम पूरा होगा, मतलब आपका मेच्योर हो जाएगा बॉन्ड, तो आप उसको इक्विटी, मतलब कंपनी का आप रियल शेयर होल्डर बन सकते हैं, ठीक है, डिबेंचर की हेल्प से। नॉन कन्वर्टेबल में नहीं, आपका जो पैसा आपको मिल जाएगा, अब फिर बात खत्म, फिर अब कोई कंपनी से आपका रिलेशन नहीं रहा।
इसके बाद वही कन्वर्टेबल को बहुत डिटेल में बोला है। कन्वर्टेबल मतलब क्या होगा कि जो आपका बॉन्ड है उसको आप कन्वर्ट करके इक्विटी आपको उसके बन जाएगा, ठीक है। इक्विटी होल्डर मतलब जो कंपनी का आप शेयर होल्डर है वही आपका इक्विटी हो जाएगा। डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, तो वी डिवाइड द पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट एंड आवर सेल्फ ट्रेजरी रेट। तो कहाँ और कौन कौन सा, जैसे FII इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होती है ना इन इंडिया बाय द वे ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे स्टॉक और डेप मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। फॉरेन हु इंक्लूड इन्वेस्टमेंट बैंक हेज फंड, तो मतलब फॉरेन अलग अलग तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट, बाहर की मार्केट आके इंडिया में कैसे अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर रही है, ये सब हम देख चुके हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या, बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर अपना पूरा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट लगा रही है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में उतने लंबे टर्म के लिए प्रोजेक्ट नहीं रहता, ठीक है। लेकिन FDI जो है वो रियल लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और ये खुद से पूरा FDI में खुद से पूरा अपना सेटअप करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ऑलरेडी जो है मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस है उनके साथ ही अपना अडप्ट करती है, पर इसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और डायरेक्टली आके पूरा अपना स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट करते हैं जो भी उनको प्रोजेक्ट बनाना है वो। ADR और GDR, ADR का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट और GDR का है ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट। ये क्या है, ये वो है जिनकी हेल्प से इंडियन कंपनी, ठीक है, इश्यूड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनीज मोबिलाइज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उनको मोबिलाइज, उनको चाहिए फॉरेन करेंसी, तो वो ये सब ये अमेरिकन डिपॉजिटर ये सब वो मार्केट है जहाँ पर वो इशू कर सकती है। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटर, ग्लोबल डिपॉजिटर, ये सब क्या, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव एन ऑप्शंस, इनके पास क्या ऑप्शंस है, हैव टू सेल देयर होल्डिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो वो डोमेस्टिक मार्केट रिसीव प्रोसेस इन द फॉरेन करेंसी। तो ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटर्स इशू बाय द, ये इंडियन कंपनीज इशू करती है, तो जो फॉरेन होल्डर है मतलब फॉरेन कंपनीज है और जो फॉरेन शेयर होल्डर है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें इशू करके उनको फॉरेन करेंसी देंगे और फिर बाद में जो भी उनका प्रॉफिट है वो फ्यूचर में। इसी भी क्या है, इसी भी है, ये 3 साल तक के लिए होता है, ठीक है। और अगर इंडियन कंपनीज कैन बोरो, हाँ अगर उसको बोरो चाहिए ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, और तो वो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये वो उनका मेथड है और ये 3 साल तक के लिए रहता है, 3 साल तक के लिए मैच्योरिटी इसमें रहती है, ठीक है। स्पेशलिस्ट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स, लास्ट है ना, तो EEFC अकाउंट होता है, एक्सपोर्टर्स अर्निंग फॉरन करेंसी अकाउंट, एक्सपोर्टर्स, तो उनके पास जो भी एक्सपोर्ट से अर्निंग आ रही है, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस किया, तो जो भी उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग है उसमें पूरा ये EEFC अपन अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। जो भी प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट का जो पैसा है ना उस पर उनको अपना पैसा रखते हैं, तो ये एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी दी गई है। लेकिन ना ज़्यादातर जो 4 करेंसीज है उसमें ये लोग रख सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ फाइनेंशियल, बाद में उनको फाइनेंस भी तो करना है ना उस पैसे का, तो उस पैसे में रख सकते हैं। और ठीक है, ये एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को अच्छा फैसिलिटी देने के लिए किया गया। फ्री रिमिटेंस फैसिलिटी, इसमें बोला गया है कि इंडिविजुअल आसानी से अपना बाहर अपना पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट आपको, ये मैं आपको चेक करके आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी कि इसका एग्जैक्ट अभी लिमिट कितना है, 2 लाख ही है, 2 लाख 1 साल का भेज सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट मैं आपको बताऊंगी कि फ्री रिमिटेंस फैसिलिटी का लिमिट कितना है, ठीक है। ओवरसीज कितना वो आसानी से भेज सकते हैं RBI के अप्रूवल, ये लिमिट RBI चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इसके साथ फिर हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो क्या है, फ्री रिमिटेंस फैसिलिटी, इंडिविजुअल्स आर नाउ परमिटेड टू रिमिट ओवरसीज फ्रीली विद RBI अप्रूवल, ठीक है। तो कितना भेज सकते हैं, अभी ये शायद 75,000 पर ईयर हो गया, ठीक है, वो लिमिट देखेंगे। और पर हाँ, अभी ये 2 लाख है, ये गलत है, ये पुराना लिमिट था, पर इसको थोड़ा घटा दिया, अभी ये घटाना बढ़ाना चलता रहता है, ठीक है। तो 75,000 अभी का है और इसके साथ ही फिर लेट अस सम अप, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। और देखिए, EEFC अकाउंट हमने पढ़ा था ना, तो वही 100% अपना पूरा पैसा रख सकते हैं इसमें, नो इंटरेस्ट, लेकिन हाँ पेड उसको, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये एक तरीके का करंट अकाउंट है एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑल द एक्सचेंज रेट्स कोटेड ऑन द स्क्रीन और ऑन द प्रिंट आर फॉर स्पॉट ट्रांजेक्शन, तो ज़्यादातर रेट कितने स्पॉट ट्रांजेक्शन अनलेस अदरवाइज, हाँ जब तक मेंशन ना किया जाए तो वो स्पॉट ही होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले चैप्टर पे, हमने जब पहला चैप्टर किया ना तो वही था। फॉरवर्ड रेट फुली रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट रेट डिफरेंस ओनली इन द परफेक्ट मार्केट वेयर द करेंसीज आर फुली कन्वर्टेबल एंड मार्केट आर हाईली लिक्विड, ठीक है। नोस्ट अकाउंट क्या है, जो हम फॉरेन करेंसी में उन्हीं की कंट्री के बैंक में उन्हीं की करेंसी में रखते हैं, तो वो होगा नोस्ट अकाउंट। नोटिस मनी क्या होता है, 2 से 14 दिन है ना, 1 दिन से ज़्यादा और 14 दिन से कम नोटिस मनी। साइलेंट फीचर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या फीचर होता है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट, जैसे
टाइम रहेगा, एक डेट रहेगा, ठीक है, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, प्राइस भी उसका पहले से डिटरमाइन रहेगा, तो उस डेट पे वो इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 15 भी फिनिश हुआ। 16 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, इसका प्रैक्टिस करना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।